कंसीव करने के बाद मोस्टली ये देखा गया है कि जो पहला बेबी है वो मिसकैरेज उसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसकी कुछ वजूहत आप बताएंगे? अच्छा, मिसकैरेज जो है ना, ये एक 15% रिस्क है दुनिया भर में, यानी ओके 100 में से 15 बच्चे मिसकैरी होंगे। दैट इज अ वेरी नॉर्मल रिस्क वर्ल्ड वाइड। हमारे यहाँ ठीक है। चूंकि बहुत कंसर्न होते हैं ना, हम लोग, पहला बेबी होता है तो हर कोई बंदा उसके लिए मेंटली तैयार होता है, घर में एक खुशी का लहर होती है, तो वो अगर मिसकैरी कर जाए ना तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। हालांकि मेडिकली नहीं है, ठीक ठीक है, है। मेडिकली अगर वो बच्चा पहले 3 महीनों में, 80% ऑफ टाइम्स कोई बच्चे में एबनॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से कंसेप्ट, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो वो जनरली मसला पता ही नहीं कि वो हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ मेंटली ट्रॉमेटिक बहुत है फर्स्ट मिसकैरेज, इसलिए उस पर बात बहुत ज्यादा होती है। वैसे कोई ऐसे मतलब कोई वो नहीं है कि रेशो बहुत 15% तो कुछ भी नहीं है, मतलब उसके अंदर जो है ऐसे ही वो है, उसका कोई पहले दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ओके, बिल्कुल सही है। शायद वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, ज्यादा हो जाता है तो वो जी हमारे सोसाइटी में ज्यादा बता यही तरह कि नहीं परेशान ना हो, पहले एनजी होता है, हाँ, मतलब ये भी एक बड़ा वजह आम ये हो वहम गया सा जो है ना। वो सुनने में हाँ, आता है असल में कि पहले बच्चे इतने सारे हुआ करते थे, एक दो मिसकैरेज हो भी जाते थे तो लोग परेशान नहीं होते थे ना। बच्चे अब होने के तरीके, मैंने इस पे भी आना है, हाँ लेकिन जी, एक क्वेश्चन मैं इससे पहले मिस कर गया हूँ, वो साइकिल के हवाले से आपके, कि उसके जो मूड स्विंग्स आते हैं उसके लिए जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनका कॉपरेट करना कितना जरूरी है? हाँ ये बहुत मजे का सवाल है ना। आजकल हम कपल आता है और कहते हैं कि मूड स्विंग्स नेगेटिव, अब ये तो अब तो हमें बर्दाश्त करें। और बेसिकली अब तो ये कॉमन हो गई ना बात, पहले तो ये बातें समझ ही नहीं आती थी हाँ किसी को भी ऐसे कि ऐसे है। तो ऐसे मेरा ख्याल है कि कुछ फिजियोलॉजिकल चीजें होती है, इट इज बेसिकली अंडरस्टैंड। जैसे हस्बैंड स्ट्रेस लेके काम करके घर में थका हुआ आए तो ऑब्वियसली वाइफ उसको कितना मतलब कॉपरेट करती है कि नहीं आप, ऐसे और हम कहते भी हैं कि बिला वजह तंग ना करो, उसको थोड़ा टाइम दो, अपना सेटल हो जाए, चाय पी ले, फोन देख ले, वो पर देन इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट। सिमिलरली खवातीन के जो मूड स्विंग्स होते हैं कुछ हॉर्मोनल फिजियोलॉजिकल होते हैं, कभी कभी तो ज़रा वो स्ट्रेस लेवल से भी होते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। लड़की को भी करना चाहिए और जाहिर है हस्बैंड को भी। बिल्कुल सही। लेकिन जब से आपने कहा ना कि अब तो इस पे बात होने लगी है या अंडरस्टैंड करने लगे, उसमें खवातीन को ज्यादा कुशल भी मिलना शुरू हो हाँ गया ये है, तो वो है, कहना भी शुरू हो गई है कि ये तुम्हें तो पता सच होना है। हाँ चाहिए, ये तो है, मतलब ये भी एक चीज जो है ये उसके तो अंदर 100% मतलब जो बात है है, वो उसके अंदर आई है।